हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज देखो मौसम कितना बढ़िया है, बहुत ही प्लेजेंट सा मौसम है। इस टाइम 7 बजने वाले हैं, अभी तक 7 नहीं बजे हैं, अभी बज रहे हैं। देखो सुबह सुबह का मौसम कैसा है यहाँ पे कुल्लू में। तो आज हम निकल रहे हैं लाहौल स्पीति के लिए, एक दिन का स्टे है हमारा वहाँ पे। अगर टाइम लगेगा तो ठीक, देखेंगे हम लोग, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, तो एक दिन का तो है ही है। तो मिलते हैं आपको लाहौल स्पीति में। रेडी हैं भाई? सुनीता चल रेडी रेडी रेडी। वो चप्पल लेके चला गया वो, क्योंकि उसको ना उसको लग रहा है कि मेरे को नहीं ले जा रहे हैं, चप्पल ही उठा के चल पड़ा। चल चल चल, आजा 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 आजा, चलो चलो भाई, चलो टोटो, चलो जी वकील साहब, लाल स्पीति चलो। हमारे वकील साहब भी आज सुबह सुबह जा रहे हैं बंजार। चलो 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 दिल्ली। तो गाइज हम चल पड़े हैं आज लाहौल के लिए। बहुत ही बढ़िया मौसम है, सुबह सुबह अच्छी धूप निकल आई है। इसका वेट कर रहे थे हम कब से लेके, काफ़ी दिन हो गया हमें। पहले बारिश होगी जब हम दिल्ली से आए थे, और अब मौसम बिल्कुल बढ़िया है, तो हम लाहौल स्पीति जा रहे हैं। आज खाते आज का ट्रिप बहुत अच्छा होने वाला है ना। ओह भाई, बेस्ट ऑफ जर्नी, फिंगर क्रॉस। तो गाइज हम निकल गए हैं, हमारा 8 बजे का टारगेट था और 8 बजे ही हम निकल रहे हैं। और ये हम ले रहे हैं अपने भतीजी को। ओ देखना, ए देख, आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा, आ जा, गुड मॉर्निंग। गाइस ये पहुंचे हम पतलीकुल, इतनी जल्दी पहुंच गए हम 15 मिनट में ना पतलीकुल, कुल्लू से पतलीकुल 15 मिनट में। पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, पहले तो मेरा ख्याल तो आधा पौना घंटा लगता था यहाँ पहुंचने में, क्योंकि रोड बेकार सा था। अब रोड इतना अच्छा बना हुआ है ना, और ये पतलीकुल में भी बाहर से निकाल दिया पूरा रोड इन्होंने, और एक रास्ता जा रहा है नीचे से जो गया वो गया नगर के लिए। नगर भी बहुत अच्छी जगह है यहाँ घूमने के लिए, किसी दिन जाएंगे हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे। और ये जा रहा है मनाली के लिए, और मनाली भी बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। सारे बाईपास भी निकाल दिए इन्होंने, और रोड भी बहुत अच्छा कर दिया, 4 लेन कर दिया है। तो अब तो मज़े ही हैं, कुल्लू टू मनाली बस 30 मिनट्स में। अगर कभी जाम लग जाए या सीज़न में तब ज़्यादा टाइम लगेगा, अदरवाइज तो 30 मिनट्स में कुल्लू से मनाली। ये हम पहुंचने वाले हैं क्लाथ में। क्लाथ थोड़ा सा आगे रह जाता है यहाँ पे। यहाँ पे ये जायरू पानी है, नेचुरल सोर्स है, और इतना टेस्टी पानी होता है ये, बहुत ही टेस्टी होता है और ठंडा बिल्कुल। गर्मियों में ठंडा होता है, सर्दियों में थोड़ा सा गर्म रहता है। पानी कौन सा वाला था? उधर वाला था कि ये जायरू है? दोनों ही है, वो भी है और ये भी है। ये है कुल्लू की खासियत, यहाँ पे ऐसा पानी है, यहाँ पे मिनरल वाटर या किस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पे इतना बढ़िया पानी है। देखिए मनाली में एंटर करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है कि ये जो ऊपर रोड जा रहा है ये जा रहा है मनाली के लिए, और लाहौल स्पीति के लिए नीचे से इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है। बार बार से जाते हैं हम लोग, बाईपास निकाल दिया इन्होंने। ये देखिए यहाँ का व्यू, ऊपर वाला बंद कर दिया है क्या? नहीं, आजकल काम चला हुआ है, बंद नहीं किया। यहाँ पे इनकी लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड हुई थी इसलिए इन्होंने बंद किया। अदरवाइज यहाँ से है मनाली के लिए, मेन मार्केट के लिए और रोहतांग के लिए और अटल टनल के लिए यहाँ से है। ये ऊपर आपकी हडिम्बा साइड जाता है, ओल्ड मनाली साइड सारा यहीं से रास्ता जाता है, और जो राइट वाला ये रोहतांग पास सोलंग नाला सारा यहाँ से निकलता है। हम डायरेक्ट बाईपास से निकल रहे हैं। ये गाइस हम पहुंचे बांध में, और ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं पहाड़, ये है रोहतांग। हम रोहतांग नहीं जाएंगे, पहले तो जाते थे रोहतांग से। आजकल क्या है कि अटल टनल निकल गई है, तो अटल टनल से डायरेक्ट लाहौल स्पीति के लिए है। तो हम तो आज जाएंगे सिसु तक और त्रिलोकीनाथ, केलोंग हम वापस आएंगे हम केलोंग में ना, स्टे हम केलोंग में करेंगे। तो ये जो सामने पहाड़ में बर्फ देखो कितनी बढ़िया दिख रही है ना, ये है रोहतांग पास। बादल टच कर रहे हैं। हाँ वाओ, है ना।
गाइज ये है सोलांग नाला, और यहाँ पे जब आप सीज़न में आओगे तो इतनी बर्फ़ होती है और इतना टूरिस्ट होता है, यहाँ पे जगह नहीं होती है। ये लेफ्ट साइड जो ग्राउंड है यहाँ पे बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा होती है, स्कूटर भी होते हैं, स्नो स्कूटर वगैरह भी हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पैराग्लाइडिंग भी होती है यहाँ पे, तो ये सीज़न में ही होती है एक्चुअली। और ये जो रोड जा रहा है ये जा रहा है टनल के लिए, अटल टनल के लिए और लाहौल के लिए। पहले ये जाता था रोहतांग से होके, बट अब ये जब से टनल बनी है तब से यहाँ से भी जाता है, रोहतांग से भी जाते हैं लोग जिन्होंने रोहतांग देखना हो, और जिन्होंने डायरेक्ट जल्दी पहुँचना है लाहौल स्पीति के लिए वो यहाँ से जाएंगे। और ये रोड हमेशा खुला रहेगा अब पूरी साल। रोहतांग का क्या होता था, रोहतांग का तो 6 महीने बंद रहता था, जब बर्फ होती थी वहाँ पे पूरा बंद होता था। यहाँ से व्यू देखो, रोहतांग पास के बहुत पास पहुँच गए, यहाँ से बहुत क्लियर नजर आता है आसपास, और पूरा मौसम खराब हो रखा है रोहतांग पास में, तो इस साइड धूप है उस साइड बादल। अभी ऑटम का सीजन भी आ रहा है तो पेड़ भी धीरे धीरे सारे वो हो रहे, येलो येलो से डन हो रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है विजिट करने का एरिया। टनल पहुंचने वाला है यहाँ से लिटरली बस 500 मीटर आगे। गाइज यहाँ से टनल स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग करते हैं गाड़ी की, और यहाँ पे पार्किंग नहीं है, पार्किंग बहुत पीछे है और पीछे जाना पड़ेगा पार्किंग के लिए, अदरवाइज हम दिखा देते हैं आपको आराम से यहाँ से। तो चलो अब चलते चलते ही दिखाते हैं। ये टनल बहुत सुंदर बनी हुई है और 9.2 किलोमीटर की टनल है, ये पूरी यूरोपियन स्टैंडर्ड से बनी हुई है, ये फुल वेंटिलेशन है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात नेटवर्क आता है अंदर, BSNL के साथ इनकी कोलाबोरेशन, और एग्ज़िट के लिए भी इन्होंने टनल बनाई हुई है, और स्पीड लिमिट पूरी फिक्स है यहाँ पे। और देखिए आगे, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमारे आगे कोई भी गाड़ी नहीं है और बिल्कुल क्लियर व्यू है। इसे टनल को क्रॉस करते ही एकदम से जो व्यू आता है ना वो देखने लायक होता है यहाँ पे, और एकदम से लाहौल स्टार्ट होता है यहाँ पे। ये बॉर्डर है कुल्लू और लाहौल का, लाहौल स्टार्ट हो रहा है ये देखने एक बार, जैसी जो व्यू जो होगा ना अभी निकल के, ऐसा व्यू आपको कहीं नहीं मिलने वाला, गाड़ियाँ बहुत खड़ी हुई हैं टूरिस्ट। ऐसा लगता है किसी और ही जगह पे आ गए एकदम से, किसी और देश में, किसी और देश में बिल्कुल बैरन सा। यहाँ के तो ट्रीज ऑलरेडी सारे ऑलमोस्ट येलो हो गए हैं, यार टूरिस्ट बहुत मिलेंगे आपको ऑब्वियसली, मनाली को छोड़ के अब यही टूरिस्ट स्पॉट बन रहे हैं कि यहाँ पे लोग आते जाते हैं ऑलमोस्ट। नदी का वो देखो कलर देखो कितना सुंदर हो रखा है, इस बिल्कुल क्लियर बैरियर, कौन सी नदी, चनाब है ना, ये इस साइड जो जा रहा है ये जा रहा है खोक्सर के लिए और ये जा रहा है लाहौल के लिए, जो राइट वाला गया वो ऊपर डायरेक्ट रोहतांग कनेक्ट करेगा। हाँ। तो ये अल्टरनेटिव रूट है, यहीं से आगे खुलेगा, केलोंग है यहाँ से 37 किलोमीटर। तो एक टाइम पे ऐसा होता था कि 6-7 महीने तक ये एरिया बिल्कुल डिसकनेक्टेड होता था, तो ये मेरे बहुत फ्रेंड्स है लाहौल के जो जिनके फैमिली ज़्यादा रहते थे तो वो सर्दियों में डिसकनेक्ट हो जाते थे, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते थे, यहीं रहते थे या वो कुल्लू में रहने आते थे, बट अब ईयर राउंड इनको एक्सेसिबल हो गया तो इनके लिए तो बहुत कन्वीनियंट है लोकल्स के लिए एटलीस्ट, और जो बाहर के लोग हैं हम जैसे हमारे लिए ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। हम पहले यहाँ लाहौल स्पीति में आते थे तो रोहतांग पास से होके आते थे, हम लोग बस में आते थे, कई बार गए हुए हैं हम लोग, बट उस टाइम जाते थे सिर्फ 6 महीने है ना जिस टाइम खुला रहता था, जब बर्फ़ आती थी तब बंद हो जाता था, बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ी बहुत बर्फ़ आती है तो खुला ही रहता है तकरीबन, मेरा ख्याल तो यह पूरी साल खुला रहता है अब तो, हाँ बिकॉज ऑफ टनल ये पूरा खुला रहता है। और ये लाहौल में थोड़ा सा सूखा सूखा सा दिख रहा है आपको पूरा पहाड़ वगैरह, यहाँ पे प्लांटेशन बहुत कम है क्योंकि बर्फ के कारण यहाँ पे ये पेड़ पुड़ जो हैं सूख जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत कम प्लांटेशन है। और ये है आपकी चंद्रा नदी है, ये जो बह रही है बहुत साफ सुथरी नदी है, और आगे जाके इसमें भागा मिल जाती है तो चंद्रा भागा बन जाती है, तांदी में मिलती हैं दोनों। ये पहुंचे हम सिसु में, यहाँ पे उस टाइम डैडी लाते थे हमारे को घुमाने के लिए नर्सरी में, ये लगाया नाना ने पेड़ दोनों साइड, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ पे इन पेड़ों का। ये एक्चुअली यहाँ ना पहले डैडी होते थे जब यहाँ पे वो जॉब करते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो ऐसे हमारे को ना यहाँ पे घुमाने के लिए लाते थे, तब ये छोटी छोटी नर्सरी थी, अभी पेड़ कितने बड़े हो गए। लाहौल में आपका स्वागत है। ये जो यहाँ से नीचे जो रास्ता जा रहा है
लेफ्ट साइड को ये जा रहा है सिसु हेलीपैड के लिए। हेलीपैड में क्या कर रखा है इन्होंने, टूरिस्ट पॉइंट बना रखा है, वहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। और दूसरा क्या है कि वहाँ पे पार्किंग का भी बना रखा है, और हेलीपैड को खाली कर देते हैं जब कोई हेलीकॉप्टर वगैरह कोई आ जाए तो उस टाइम खाली कर लेते हैं। फिलहाल सीज़न टाइम में क्या होता है कि यहाँ पे बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा आती है, तो बहुत बढ़िया व्यू रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो टूरिज़्म का कैफ़े भी निकाल दिया है इन्होंने यहाँ पे। ये जो ऊपर गांव दिख रहा है आपको, ये है सिसु गांव, और ये है यहाँ सिसु, और हेलीपैड है यहाँ पे। हेलीपैड पे इन्होंने पार्किंग का बना रखा है आजकल, और सारी पार्किंग लोग यहाँ पे हेलीपैड पे ही करते हैं। यहाँ सामने का व्यू सारा बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ पे, देखना ऊपर बर्फ़ है पहाड़ों में। ये सामने है गाइस वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, और यहाँ से नज़दीक ही है वैसे तो, बट हम नहीं जा पाएंगे यहाँ पे क्योंकि हमारे साथ टोटो भी है, टोटो के लिए थोड़ा सा यहाँ से क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ब्रिज से जाना है तो सिसु से पहले थोड़ा सा, बिल्कुल सिसु जब एंटर करते हैं वहाँ पर ब्रिज पड़ता है, उससे जा सकते हो आप। ज़िपलाइन है यहाँ से, यहाँ से ये उधर क्रॉस करते हैं उसके लिए जो जाते हैं ऊपर वाटरफॉल के लिए, अदरवाइज भी घूमने भी जाते हैं लोग। हाँ क्या कैसे जा रहे हैं देखना, विंटर्स में जो है ये वाटरफॉल पूरा फ्रीज हो जाता है। ये देखो स्कूटर का मज़ा भी ले रहे हैं लोग यहाँ पे, स्नो में बहुत मज़ा आता है इसमें। घूम रहा है टोटो, फुल एंजॉय कर रहा है, यहाँ पे इतना रश है ना, बहुत मजा आ रहा है इसको। और इसके फैन भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं यहाँ पे, फोटो खिंचवा रहे हैं इसके साथ। मोर फैन फॉलोइंग, देख इसको उसी साइड जा रहा है बारो। ही है या शी है? ही ही है। सिसु यहाँ पे देखना, पेड़ कितने सुंदर हैं यहाँ पे, और पतझड़ स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, अदरवाइज तो अभी तक नहीं हुई है, बट यहाँ पे ठंड की वजह से जो है पतझड़ स्टार्ट हो जाती है। पत्ते देखना कितने येलो येलो हो गए हैं और सारे झड़ रहे हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। टोटो सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है, हम लोग तो फोटो खींचने में फ़ोटो शूट में ऐसे ही बिजी रहते हैं, बट टोटो जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। तो गाइज अब हमारा यहाँ का सिसु का हो चुका है, काफ़ी इन्जॉय किया हमने यहाँ पे। अब हम निकल रहे हैं त्रिलोकीनाथ के लिए, रास्ते में देखेंगे कुछ और मिलता है तो रुकेंगे, अदरवाइज हम हाँ तांदी में हो सकता है हम रुके। तांदी में जहाँ चंद्र और भागा जहाँ मिलती है, चंद्र भागा जहाँ से चिनाब नदी बनती है वहाँ पे मिलेंगे हम। हाँ टोटो देखो कहाँ जाके बैठ गया, कहता नीचे उतारो मेरे को, नीचे उतर गया और नीचे जाके बैठ गया, थक जाता है एक्चुअली बेचारा। छक्का मेरा बच्चा, थक गया बेटा, छक्का टोटो, जो थक गया।